हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं खेरेश्वर मंदिर, जो कि शिवराजपुर में स्थित है और कानपुर सेंट्रल से लगभग 47 से 48 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों, मंदिर का इतिहास जान के आप ज़रूर चौंक जाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, आप सभी को भोले बाबा के दर्शन कराते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए हुए। खेरेश्वर मंदिर शिवराजपुर के अंदर करीब 3 किलोमीटर छतरपुर गांव के खेरे के समीप ही है। यह मंदिर गंगा के किनारे सरैया घाट पर बसा हुआ है और यह सावन के मास में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। भक्तों का मानना है कि गंगा में स्नान करके वह जल लेके खेरेश्वर मंदिर पहुंचकर शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। सच्चे मन से जो भक्त पूजन करता है उसकी बाबा मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। जैसे कि घाट में जल स्तर काफ़ी बड़ा हुआ है और पुलिस की तरफ से नोटिस भी लगाई जा चुकी है, तो भक्तों से निवेदन है, अगर आप घाट पर स्नान करने जाते हैं तो कृपया संभल कर करें और पीछे रहकर ही स्नान करें। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खतरा हो सकता है। घाट में स्नान करने के बाद अब चलते हैं वापस मंदिर की ओर। दोस्तों, जैसे कि हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं, मंदिर के मेन गेट पे आपको एक नोटिस दिख रहा होगा, कृपया आप लोग भी इस पे नज़र डाल लीजिए। देश भर में ऐसे कई चमत्कारिक और रहस्यमय शिव मंदिर हैं जिनकी अलग अलग आस्था है। ऐसे में आज हम आए हैं शिवराजपुर के खेरेश्वर मंदिर में। खेरेश्वर मंदिर की यह मान्यता है कि यह द्वापर युग के महाभारत काल के समय का शिवलिंग बताया जाता है। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य भी पूजा करते थे। यह शिवलिंग को किसी ने स्थापित नहीं किया है, बल्कि यह स्वयंभू है। यह शिवलिंग करीब 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है। इस मंदिर की मान्यता को कई लोगों ने महसूस भी किया है। यहाँ महाभारत काल के एक योद्धा भगवान शिव की पूजा करने के लिए भोर में आते हैं और चले जाते हैं। महाभारत काल का ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा है। तब से वह अमर और अजर है। ऐसा बताया जाता है कि महाभारत काल के दौरान अश्वत्थामा को पांडव पुत्रों की हत्या करने के चलते उन्हें श्री कृष्ण ने श्राप दिया था। महाभारत के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा था कि इस धरती पर तुम पीड़ा के साथ तब तक रहोगे जब तक भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा खुद नहीं करने आएंगे। अब भोलेनाथ ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तब से यह माना जाता है कि भोर पैर अश्वत्थामा खेरेश्वर मंदिर पहुँच के शिव जी की प्रथम पूजा करते हैं। मैं ऐसे शिव भक्तों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बाबा की शिवलिंग को इस प्रकार रगड़े नहीं, वरना आने वाले समय पे आपको दूर से ही दर्शन करने को मिलेंगे। कृपया करके शिवलिंग को मत रगड़ा करिए। मंदिर के महंत बीरेंद्रपुरी जी बताते हैं कि शाम को आरती के बाद मंदिर परिसर से शिवलिंग के ऊपर से सभी पुष्प व साफ सफाई करते हुए अन्य सामग्री को हटा दिया जाता है। उसके बाद पट बंद कर दिए जाते हैं। जब सुबह पट खोले जाते हैं तब यहाँ का नज़ारा देखकर आज भी लोग हैरान होते हैं, मानो किसी ने यहाँ अभी आकर पूजा करी हो। शिवलिंग पर पुष्प चढ़ा मिलता है और जल अभिषेक किया हुआ मिलता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रथम पूजा कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा ही आकर करते हैं।
मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और अमेजिंग कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग राइड विथ स्काई।